2023 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह SLR लेकर दिखाई दे रहा है। इस संबंध में सुजगढ़ा थाना में केस दर्ज हुआ था। भिखारी सिंह एक संगठित गिरोह चलाता है और दियारा क्षेत्र में हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करना, रंगदारी मांगना इसका पेशा है। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी, हालांकि उस समय से ये फरार था, दूसरे जिला में शरण लिए हुए था। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं कमलेश। अभी अभी लखीसराय में जैसा कि भिखारी सिंह जिले का टॉप 10 क्रिमिनल है और 20,000 का इनामी भिखारी सिंह को जो है लखीसराय पुलिस ने गिरफ्तार की है। और भिखारी सिंह पर पूर्व में जो है लगभग 14 मामले दर्ज हैं। सभी मामले जो है सूरजगढ़ा और मेदनी चौकी थाना में दर्ज हैं। भिखारी सिंह पर ये आरोप भी है कि वो जो है अपने साथियों के साथ जमीन जो है कब्जा करने, हत्या, लूट, अपहरण सहित जो है सभी घटनाओं में संलिप्त बताए जा रहे थे। वो का एक भिखारी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो SLR के साथ जो है दिखाई दिए थे। उस वीडियो की जांच की गई है और भिखारी सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ की है तो भिखारी सिंह ने उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और वायरल वीडियो की पुष्टि भी की है। ये जो है थाना कांड संख्या, सूरजगढ़ा थाना कांड संख्या 145/23 में इसकी गिरफ्तारी हुई है और भिखारी सिंह पर पूर्व से ही दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि लखीसराय के SP पंकज कुमार क्या कह रहे हैं। अपराधकर्मी भिखारी सिंह जो नंदपुर निवासी है, जिस पर लखीसराय पुलिस के द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित है, इसका 27 अप्रैल 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह SLR लेकर दिखाई दे रहा है। इस संबंध में सुजगढ़ा थाना में केस दर्ज हुआ था। भिखारी सिंह एक संगठित गिरोह चलाता है और दियारा क्षेत्र में हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करना, रंगदारी मांगना इसका पेशा है। जब अप्रैल में इसका वीडियो वायरल हुआ था SLR लिए हुए, तो उस समय भी इसके विरुद्ध पुलिस छापामारी की थी, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके विरुद्ध इनाम घोषित किया गया, जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी में यह शामिल है। कल इसके बारे में सूचना मिली कि यह रामपुर में है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई हेतु DSP प्रोबेशनर आकाश के नेतृत्व में टीम गठित हुई। टीम में सुजगढ़ा थानाध्यक्ष अवधेश, टाउन थानाध्यक्ष अमित, कवैया थानाध्यक्ष राजवर्धन, DIU की टीम जिसमें शशिभूषण, गौरव, साथ ही सुजगढ़ा थाना से प्रोबेशनर अलका, DI से पदाधिकारी अनामिका, सोनी, विभूति, पंकज, अमित शामिल किया गया। टीम के द्वारा बीते रात्रि रामपुर से इसे गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं और इसका मुख्य पेशा रंगदारी है। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी, हालांकि उस समय से ये फरार था, दूसरे जिला में शरण लिए हुए था। लेकिन सूचना जब मिली कि वो आ गया है लखीसराय, तो कल हमारी टीम ने इसे गिरफ्तार किया है और यह जिला का टॉप 10 अपराधकर्मी में शामिल है। वायरल वीडियो में जो SLR था सर, उसके बारे में क्या? अभी उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी बरामदगी के लिए कार्रवाई जारी है। हथियार अभी बरामद हुआ है? अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है। कितने मामले इसके ऊपर दर्ज? अभी तक जो हमें मिले हैं आंकड़े, उसके अनुसार अभी 1 दर्जन मामले लगभग इसके खिलाफ दर्ज हैं। अभी इसे सुजगढ़ा थाना के केस में, जो अप्रैल में वीडियो वायरल से संबंधित था, उसमें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।